हेलो गाइस, मैं आपका भाई जीतू पवार फिर एक और नई वीडियो में भाई आप सभी का स्वागत करते हैं। तो भाई आप लोगों के वादे के मुताबिक गाड़ी को हम आज ही लेके आ गए, तो भाई कल आपने वीडियो देख ली होगी, तो आज ही इसमें अलॉय डलवाने हैं, तो इसको हम लेके आ चुके हैं पल पल अलॉय डलवाने के लिए। अब देखते हैं, डिसाइड करते हैं भाई कौन से अलॉय पसंद आएंगे, कौन सा सारा कुछ, पर गजब चीज लगवानी है टायर के साथ, अलॉय टायर दोनों चेंज कराने वाले। तो अब पलवली जब पहुंच चुके हैं और भाई छोटे मोटे काम देखो मैं एक साथ तो कराऊंगा नहीं गाड़ी में, आप सभी को बता मैं अलग अलग कराते रहता हूँ, जैसे बजट बनता रहता है उस हिसाब से मेंटेन करते रहते हैं, तो समझ सक रहे हो आप। अब जब आज अलॉय का काम हो जाएगा, अभी इसी दिन भाई इंटीरियर का काम हो जाएगा मेरा, जो शायद मैं आपको कल एक दो दिन में देखते हैं कहाँ चेंज कराऊंगा। एक तो भाई ये 7-8 साल पुरानी होगी, 0 DW इंश्योरेंस अब वैलिड नहीं है, आपको पता 7-8 साल पुरानी जो गाड़ी हो जाती है उसको 0 DW खत्म हो जाता है। अब इसका भाई 50-50 है, तो कैश में ही कराना पड़ेगा, फिर इसे कैश में ही कराऊंगा भाई, देखते हैं कहाँ कराएंगे। और आज पहुँच चुके हैं हम अपना पलवल से दादा टायर्स के पास, गाड़ी इनको दे देते हैं और पहले देखते हैं कौन से अलॉय अपने को पसंद आएंगे, कौन से सारा कुछ आपको भी दिखा भाई। सिर्फ दादा टायर्स पे पहुँच गए और गाड़ी होगी खड़ी अपनी, और उधर फॉर्चूनर में अलॉय कर रहे हैं, और वो भी भाई बुलेट प्रूफ फॉर्चूनर, सिक्योरिटी साथ में बैठी है हैं, और भाई इधर आराम डल रहे हैं। अब अलॉय कौन से डिसाइड करें, इन्हें तो करना, पर इन्हें टायर खोल दिए भाई पहले ही। कौन सा कलर कराया पे? रेड ही करवा लो ना, रेड ना, इस बार कुछ अलग करवा लेते हैं भाई, अलग गजब 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 चीजें हैं। अलॉय एक बार डिसाइड कर लेते हैं कौन से कहाँ लगवाने। हाँ जी, क्या हाल चाल है? लव यू सर। तो भाई इस बार तो कुछ अलग ही दिखा रहे हो स्टोर पे। हाँ जी सर। तो फिर स्कॉर्पियो खड़ी करवा दी इसमें आपने, फिर क्या प्लान है इसमें? 18 इंच थार वाला डालेंगे ओरिजिनल। थार वाला? थार वाला पक्की? पक्की। और कुछ नहीं देखें? ना और कुछ मत देखें। टायर एक बार चेक कर दो, शॉप पूरा कर लो उसका, फिर उतने का वापस हो जाएगा, क्या टेंशन है। ये भी ठीक बात है भाई, स्टॉक में भाई 20 भी पड़े हैं, 20 वाले ये हैं, और ऊपर आपको दिखाना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए वो, ठीक है। तो ये वाले टायर है भाई इसके? हाँ भाई। ये 18? 18 न्यू ब्रांड है ये? न्यू एकदम सीएट के वाले जो थार में आते हैं वही भाई। अलॉय और देख लेते हैं, अलॉय कौन से? अलॉय भी आ चुके हैं अपने, टायर भी दिखा दिए। इस पर कौन सा कलर करवाना? हाँ टायर के हिसाब ले दो, ये अपने पुराने टायर है भाई, ये आ चुके थार के नए वाले लोगों के साथ टायर, और लगने लगे भाई। भाई एक साइड तो अपने लग चुके हैं, कैसी लुक लगी भाई कमेंट करके जरूर बताओ आप लोग। तो भाई टायर एक साइड के लग चुके, ये ऐसा तो नहीं है भाई छिवेंगे? नहीं, हैं? डन है ना? टच नहीं करेगा। माइलेज में कुछ फर्क? ना कोई फर्क नहीं। कोई फर्क ना पड़ेगा? कोई फर्क। चलो कितने किलोमीटर चल जाएगी इस पे? लगभग लगभग 50 से 60 हजार। 50-60 खींच देगी इन टायरों पे? 60 हजार चल जाएगी बस, तो गाड़ी की इतने में लाइफ खत्म हो लेगी भाई, पर अपने पास जल्दी चल जाएंगी इतने तो। आप लोग कमेंट करके बता दो भाई बैठे हैं, अगर कभी भी चेंज होंगे तो जल्दी करवा देंगे भाई, अगर किसी भाई की बाइन अलग है बढ़िया ना लग रही। वैसे तो मुझे तो भाई गजब लग रहे हैं कि ब्लैक होती तो उसमें अलॉय लगवाने के मज़ा अलग ही रहता। जी बाबू जी, वाइट है तो इसमें तो आपको दिख रहा कंपनी की कंपनी। चक्ने लगे ना पट्टू लाऊं तो बैंड नहीं, पहली आप तो बबलू कराऊं तो एंड नहीं, चक्ने लगे ना पट्टू लाऊं तो बैंड नहीं, चक्ने लगे ना पट्टू
ਲਾਉਂਦਾ ਬੈਂਤ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬੁਰੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਐਂਟ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੀ ਪਤਾ ਨੀ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਬਦਲੇ ਜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਚੱਕਰ ਜਵਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐ ਜਲਦੀ भाई फाइनली टायर वायर लग चुके हैं भाई के संडे सवेरे से हमारे लिए भाई ने वेट करा खोला हमने पुराने वाले भाई को दे दिए टायर और ये अपने करा लिए चकाचक मस्त बन गई है और कमेंट करके आप बताना कैसे लग रहे हैं भाई। तो भाई अब गाड़ी कम से कम मैं बताऊं आपको 2 या 3 इंच ऊंची होगी भाई पहले से, अब लुक भी अलग ही लग रही, गाड़ी जम रही है जो बात देखिए जो बात कदम नहीं लग रही आप भी कमेंट करके बताओ, क्योंकि भाई मैंने कंपनी की तरफ पर इसलिए कहा कि भाई कंपनी के हो जाते हैं और भाई नए टायर हो गए अब इसमें टेंशन फ्री देखने की होगी अब तो, क्योंकि जब ये टायर गिर गए तो भाई गाड़ी अलग ही जम के चल रही है, चीज़ तो मैंने देखी इसमें। और आप भी बताओ भाई आखिर हर चीज़ की वो होती है, और इसमें भाई एक छोटा सा ये रह रहा है इसको कल शीशा चेंज कराना, 2-3 काम और हैं लेके जाएंगे इसे सुबह भाई कराऊँगा, बलिनों देखी थी बलिनों कराई फिर भाई उस चक्कर में ना गिर आएगी। और देखिए ग्रिल की बोल रहे भाई आप लोग और सभी लोगों की भाई जो पहली वाली वीडियो थे थार वाले की ज़्यादा कमेंट थी तो उस वजह से फिर मैंने कि चल कोई नहीं थार वाले ही चलन दे सही लग रहे हैं। वैसे तो आपकी क्या राय आप भी अपनी कमेंट में राय जरूर बताना भाई, मुझे तो अच्छे लग रहे हैं आप भी अपनी कमेंट जरूर देना भाई राय में। तो भाई टायर वायर डलवा के आ चुके हैं हम घर और भाई टायर मैं आपको बता दूँ फाइनली अपने को टायर कितने के पड़े हैं सारा कुछ भाई आप लोग कमेंट कर पूछते रहोगे कितने के पड़े भाई। ये सब इसीलिए मैंने मंगवाए थे टायर किसी और से मंगवाए हैं भाई के थ्रू मंगवाए थे तो भाई का ट्रांसपोर्ट का सारा कुछ था तो ऐसे इसमें आप समझ लो आपसदारी है ठीक है। मेरे को भाई ये 40,000 के टायर पड़ गए थे अपना जो भी है टायर और अलॉय सारा कुछ और जो मैंने अपने वाले थे वो भाई को दे दिए वो अलग है भाई अपना एस्टिमेट जो भी हमारा वो अपना हम एडजस्ट कर लेंगे भाई यार भाई क्योंकि अच्छे लगे तो मैंने डलवा लिए और आप अपनी राय बताओ ना कैसी लगी। अब नेक्स्ट मॉडिफिकेशन कर तरफ चलेंगे वो आप बता देना नेक्स्ट मॉडिफिकेशन क्या होनी चाहिए क्या कुछ और एक ट्रिप भी बनाएंगे भाई अभी तो इससे बने या हिंदुस्तान से बने वो आपको पता लग जाएगा जल्दी बताते रहेंगे आपको ठीक है ना गाइस। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।